पहला सवाल था इफ द थ्री डिजिट नंबर इज 2 4 x, ओके, एंड इट इज डिविजिबल बाय 9, देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, तो ये बहुत ही आसान सवाल है. ओके, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 में, ओके, बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं था. 2 4 x, आपको x फाइंड करना है, एंड दिस इज डिविजिबल बाय, दिस इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का रूल इसमें आपको लगाना है. ठीक है, सिंस 2 4 x इज डिविजिबल बाय 9, ओके, सो द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9. ठीक है, याद रखना, सम ऑफ इट्स डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय, शुड बी डिविजिबल बाय 9. इसका मतलब इफ यू विल ऐड 2 + 4 + x, ओके, इफ यू विल ऐड दिस इट शुड बी डिविजिबल बाय 9. ओके, व्हेन यू विल ऐड दिस डिजिट इट शुड बी डिविजिबल बाय 9. ओके, तो ये आ जाएगा 6 + x शुड बी डिविजिबल बाय 9. अब 6 + x, सी, अब x इज अ सिंगल डिजिट नंबर, अगर आप 6 में क्या ऐड करोगे ताकि वो डिविजिबल हो जाए, 3, 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. अगर आप 4 ऐड करोगे, नहीं, आप 9 तक कुछ भी ऐड करोगे नहीं आने वाला. ठीक है, सो 3 विल बी द नंबर, क्योंकि आपको सिंगल डिजिट नंबर चाहिए. अगर आप 6 + 18 करोगे, सॉरी, अगर आप 6 + 3 करोगे तो यू विल गेट 9. जब तक आपका 9 नहीं आएगा तब तक डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, आप 6 + x करो, 6 + x करो, अगर ये 18 आ जाए देन ऑल्सो इट विल बी डिविजिबल बाय 9. ओके, तो लेकिन 6 + यहाँ पर इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू, 6 + x इज इक्वल टू 9, फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू 3. ओके, सिंगल डिजिट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं करूँगा x विल बी इज इक्वल टू 18 - 6. ओके, तो यहां पर ओके, तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्स शुड बी अ सिंगल डिजिट नंबर. ओके, सो 3 इज द राइट आंसर. चलो 18 क्यों नहीं हुआ, ओके, 6 + अगर 6 + x इज इक्वल टू, इट विल गिव यू 18, डेफिनेटली इट विल बी डिविजिबल बाय 9. 9 1 9, 9 2 18, टेबल्स पे आना चाहिए. ठीक है, मल्टीपल पे आना चाहिए, तो 9 लेंगे तो x सिंगल डिजिट आएगा, 18 लेंगे तो x क्या आ रहा है, डबल डिजिट आ रहा है, 12 आ रहा है, तो x तो सिंगल डिजिट होना चाहिए.